तीन महीना लगातार राशन कार्ड नहीं लेने के कारण उनके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे वे लोग आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गेरा में तो? बहुत लोगों कैंसिल किया है, माने तीन चार महीना लगातार जब नहीं देते हैं उन लोगों के राशन। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं, देखकर आपको लगेगा कि पता नहीं बिहार में सरकार को पता ही नहीं रहता है, कोई भी कानून बन जाता है और उसका भुक्तभोगी आम गरीब इंसान बन जाता है। मामला है हमेशा की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोगों की बात सुन रहे थे। आजकल आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री जी लोगों से संवाद करते हैं, लोगों की दुख पीड़ा को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट जो भी निराकरण है वो करते हैं। इसी बीच दरभंगा का एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे और उनका कहना था कि सर, किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति दो तीन महीने अगर राशन नहीं लेता है तो उनका कार्ड बंद कर दिया जाता है। यह चीज जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अधिकारियों को फोन लगाया और इतना अचरज, मैंने अचरज वाली बात उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो अनर्थ है। देखिए इस वीडियो में। लेकिन एक चीज है कि आखिर जब सरकार को मालूम नहीं है, मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है, तो फिर यह कानून पास कैसे हो जाता है? और कानून क्या, इसका भुक्तभोगी हम लोग जैसे लोग कैसे बन जाते हैं, क्या कारण है, देखिए इस वीडियो में। बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी गरीबों की बात डायरेक्ट संवाद करते हैं, बात करते हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। खास करके इन छोटी छोटी चीजों को खुलासा हो रहा है कि हम लोगों का आए दिन आप ब्लॉक में भी देखते होंगे कि गरीब लोग अभी घूम रहे हैं, बहुत सारे गरीब हैं, आम जनता है, घूम रहा है कि भैया हमारा बाहर काम करते हैं और दो महीना तीन महीना के बाद अगर आए और हमने उठाव नहीं किया तो डायरेक्ट इनका बंद कर दिया गया था राशन कार्ड। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए किस प्रकार से मुखिया को मालूम नहीं और कानून बन गया और उसका भुक्तभोगी आम इंसान बन जाता है। खास करके देखिए बिहार जो है यह प्रवासी मजदूरों का, हम कह ले, इसको कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोग अधिकतर बाहर ही जाके काम करते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और वो वहाँ दो तीन चार महीना अगर वहाँ काम किए और फिर जब घर वापस आते हैं तो उनका कार्ड ही बंद मिलता है, उनको राशन उठाव नहीं होता है, ये कहाँ तक जायज है? देखिए इसका निराकरण मुख्यमंत्री जी कैसे कर रहे हैं इस वीडियो में। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ यही पहल पर आपने लोक सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पूरे बिहार में लागू कर दी। ये अभी मेरा मामला है जो ऐसे गरीब व्यक्ति जिनका राशन कार्ड प्राप्त लेकिन दो तीन महीना लगातार राशन कार्ड नहीं लेने के कारण उनके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे वे लोग आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गेरा में तो? बहुत लोगों कैंसिल किया है, माने तीन चार महीना लगातार जब नहीं देते हैं उन लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया। लाभुक लोग राशन कार्ड राशन नहीं ले रहे थे, माने कोई बीमार पड़ गया, एम्स में चला गया, कोई मुंबई चला गया, कहीं सरकुट नीति चला गया, बहुत नया राशन कार्ड बना वो नहीं लिए थे। राशन कार्ड बना, राशन कार्ड पर सामान भी मिल रहा था, बीच में दो महीना या तीन महीना लगातार उस सामान नहीं खाद्यान्न नहीं उठा पाए, वैसे लोगों को राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, उसकी सूची भी है उसमें। दरभंगा से एक सज्जन आए, ये बता रहे हैं विचित्र बात हो रहा कि राशन कार्ड का इनको मिला हुआ था, लेकिन हुआ क्या है कि इसमें से कई लोग बीमार थे, परिवार के लोग गुजर गए, राशन कार्ड नहीं ले पा रहे थे, बाद में इसका राशन कार्ड रद्द कर दिया। तुरंत दिखवाइए भाई, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? उसको तत्काल देखिए, इनको बीमार है और गांव में नहीं है और राशन नहीं लिया तो फिर राशन कार्ड क्यों रद्द किया? सब कुछ ठीक से दिखवाइए। दरभंगा का मामला, इनकी पूरी बात सुनिए।